बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज फिर खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक और नई सिंपल सी और झटपट तैयार होने वाली सिम आसान सी रेसिपी, आलू के कबाबों की रेसिपी। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी और बहुत पसंद आएगी आप सबको, बच्चों के लंच बॉक्स में, चाय के साथ, स्नैक्स के तौर पर, सुबह नाश्ते में, किसी भी टाइम ले सकते हैं। और ये बहुत ही बिल्कुल नई रेसिपी है, आप जरूर पसंद करेंगे इसको। तो फिर चलिए बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं आलू के कबाब बनाने की रेसिपी। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह करके आलू के कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये चार बड़े साइज के आलू लिए हैं। ये हमने इनको बॉयल कर लिया है अच्छे से, ये सॉफ्ट हो गए हैं, ठंडा करके हमने इनको छील लिया है। और अब हम मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से मैश करना है। थोड़े थोड़े चंक्स अगर रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो और अच्छे लगेंगे कबाबों में आते हुए। और हाथ की मदद से करना चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमें इस तरीके से मैश करना है इनको। तो ये देखिए आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें अपने स्पाइसेस शामिल सबसे करते हैं। पहले हम ये साबुत धनिया डालेंगे, इसको हमने दरदरा सा कूट लिया था, 1 टीस्पून है। चिली फ्लेक्स लेंगे 1 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, आप मिर्चें भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी कलर आने के लिए हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे, आधा टीस्पून जीरा, जीरा पाउडर लेंगे आधा टीस्पून, आधा टीस्पून ही हम खटाई लेंगे, अमचूर पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून चाट मसाला, क्योंकि कबाब बन रहे हैं ये, इंशाल्लाह बहुत अच्छे चटखारेदार और जायकेदार बनेंगे, ये आपको जरूर पसंद आएंगे। और ये हमारे कबाबों के अंदर बहुत ये स्पाइसेस जो जा रहे हैं, ये जायके को और भी इसके बढ़ा देंगे बहुत अच्छी तरीके से। और हमने ये एक बड़े साइज की प्याज को चॉप कर लिया था, दो हरी मिर्च फाइन चॉप कर ली थी, और ये हरा धनिया है, इसको भी हमने अच्छे से धोकर काट लिया है, हम ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसका अच्छे से मिक्सचर मिक्स कर लेंगे अब सब चीजों को। तो देखिए ये हमारे कबाबों का मिक्सचर अच्छे से हमने ये मिक्स कर लिया है और ये हमारा तैयार हो गया है। ये बहुत अच्छे से देखिए कितना अच्छा स्मूथ बन के तैयार हुआ है, हमें इसी तरीके से रखना है इसको। और अब हम इसकी कबाबों की जैसे टिक्कियां बनाएंगे, लेकिन हम इसकी फिलिंग करेंगे पनीर से। तो हम अब फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो देखिए हमने स्टफिंग करने के लिए ये पनीर लिया है, हमने ऐसे चौरस चौरस पीस लिए हैं। अगर आप चाहें तो पनीर को मैश करके भी इसकी स्टफिंग कर सकते हैं, मगर हम इसी तरीके से कर रहे हैं। और क्योंकि पनीर टेस्ट लेस होता है, इसको टेस्ट इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इस पे थोड़ा सा ये चाट मसाला स्प्रिंकल कर रहे हैं, ताकि ये और भी अच्छा अंदर तक मसालेदार हो जाए। और हम इसमें थोड़ी सी हमने ये चटनी बना रखी है टमाटर और लहसुन की, हम उससे इसको थोड़ा स्पाइसी करेंगे पनीर को। और तो ये देखिए बस इस तरीके से हम ऐसे इसको रख लेंगे और कबाब के अंदर इसको भरकर कबाब तैयार करेंगे आलू का। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग भी तैयार है और हमारा कबाब बनाने के लिए आलू का मिक्सचर भी तैयार है। अब हम थोड़ा सा आलू लेंगे और अपने हाथ को हमने ये थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लिया है, ताकि ये हमारी टिक्की आसानी से बन जाए। अगर ज़्यादा दिक्कत आती है, आप पानी या तेल जो भी आपको स्टेबल लगता है आप वो लगा लीजिएगा इस तरीके से। और फिर ऐसे थोड़ा सा आलू और रखेंगे हम, बहुत इजीली बहुत आसानी से बन जाएगा ये। ये देखिए इस तरीके से
हम अपने सारे कबाब बना लेंगे। हम अपने सारे कबाब ऐसे तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ये कबाब की पैटी बनके तैयार हो गई है। तो देखिए तेल हमने रख दिया है अपना गर्म होने के लिए। कबाब को हम डीप फ्राई करेंगे और हम अंडे में उसको पहले उसकी अंडे की कोटिंग करेंगे। अपने कबाब को अंडे से कोट करेंगे और उसके बाद तेल में शामिल करेंगे। ये देखिए एक एक करके हम अपनी पैटीज इस तरीके से अंडे में डिप कर करके अंडे की कोट कर करके इसमें डालते रहेंगे और ताकि फ्लेम हम अपनी लो रखेंगे ताकि हमारे कबाब जो हैं वो अंदर तक पक जाएं। तेल गरम है और हल्की आंच से हिफाजत से डालिएगा क्योंकि ये फिर इससे तेल की छींटे हाथ पर आने का डर रहता है। अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको अच्छे से एक तरफ से पकने देंगे। जब ये अच्छे से एक तरफ से इसके किनारे हमें ऐसे गोल्डन गोल्डन नजर आएंगे हम जब इसको फ्लिप करेंगे। अब ये देखिए हमारा ये सबसे पहले जो हमने डाला था इसके किनारे गोल्डन हो गए हैं तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे कबाबों पर और ये इतने टेस्टी बनेंगे ये बिल्कुल। आप एक बार खाएंगे इसको आपको बार बार खाने का दिल करेगा। बहुत अच्छे बहुत जायकेदार बनेंगे ये। ये देखिए बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा और कितना खस्ता और कितना करारा हमारा ये कबाब तलकर रेडी हुआ है फ्राई होकर। ये देखिए हम इस तरीके से इसको इसका जो एक्सेस ऑयल होगा एक्स्ट्रा तेल वो सब टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। हम ऐसे निकाल कर अपने कबाब सब इसमें टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे कबाब डीप फ्राई हो गए हैं और कितने खूबसूरत डीप फ्राई हुए हैं। तो चलिए हम ये सर्व करके देखिए दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू के शामी कबाब कितने अच्छे बढ़िया और कितने करारे कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे हैं। ऊपर की लेयर इनकी क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। मैं आपको ये तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखिए अंदर तक ये कितने अच्छे से पक गए हैं और ये पनीर भी इसके अंदर कितना बढ़िया से पक गया है। और ये आप हमने इसको ये मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। तो ये लीजिए बिस्मिल्लाह करके नोश फरमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फिर चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लेकर आऊंगी एक और नई सिंपल आसान सी रेसिपी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।